दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो चौंका देने वाली थी। आपको बता दें, डीसीपी रोहित कुमार मीना, ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा और उनके कई अधिकारी ने मिलकर इस गुत्थी को सुलझाया है। एक स्नैचिंग की वारदात हुई थी, उसमें उसका मंगलसूत्र स्नैच करके ले गए थे। उसमें दो बाइक बॉन्ड कल्प्रिट थे। हमारी टीम ने काफ़ी इसमें 100 से भी ज़्यादा फुटेजेस सीसीटीवी कैमरास की फुटेज करते हुए और 25 किलोमीटर्स तक हमने फुटेजेस देखते हुए वी रीच टू ट्रॉनिका सिटी में हमने उसके घर तक फुटेज एस्टेब्लिश करने के बाद हमने ट्रैप लगाया और ट्रैप लगाने के बाद हमने इसमें दो अक्यूज को अरेस्ट किया। दो अक्यूज जो थे उनका नाम है हरजीत और भारत। हरजीत पे 34 इन्वॉल्वमेंट्स पहले से ही हैं स्नैचिंग रॉबरी, और ये 4 स्टेट्स में इसकी इन्वॉल्वमेंट रह चुकी हैं। और साथ ही साथ भारत, इस पे 22 इन्वॉल्वमेंट रह चुकी हैं, 16 इन्वॉल्वमेंट दिल्ली की और 7 इन्वॉल्वमेंट यूपी की। इनका पहले इनके एक्सचेंज ऑफ पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ भी हो चुकी है यूपी में, दोनों के को कुछ गोली भी लगी थी मुठभेड़ में। और साथ ही बहुत ही डेस्परेट स्नैचर्स हैं, इन्होंने यूपी में जेल में इन्होंने स्नैचिंग की वारदातें प्लान की, जेल में मिले थे आपस में। इसमें हमने मंगलसूत्र, उन्होंने जो ये गाड़ी जो चोरी की थी 25 तारीख को उन्होंने गाड़ी चोरी करी थी नॉर्थ ईस्ट जिले से, वो भी हमने रिकवर कर ली। मंगलसूत्र था वो भी हमने, जो जूलर था बंटी वर्मा उसको भी पकड़ा है, उससे रिकवर कर लिया। जो कपड़े पहने थे, जो बाइक यूज़ करी है स्नैचिंग में, इंपॉर्टेंट यही है कि ये ट्रॉनिका सिटी तक हमारी टीम इनको पीछा करती रही। बहुत ही डेस्परेट स्नैचर्स हैं ये, और इनको हमने नैप किया। साइबर फ्रॉड इतना बड़ा था कि बॉलीवुड के 20 अभिनेता और कई भोले भाले लोगों को चूना लगा डाले 5 लोग मिलकर, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, कई ऐसे बॉलीवुड के नेता के नाम पर क्रेडिट कार्ड और बैंक से लोन पास कराया गया था। जहां साइबर सेल में इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके बाद कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। शिकायत मिली थी कि हमारी कंपनी से लगभग 21 लाख प्लस का ये ऐसे फ्रॉडुलेंट तरीके से लोन उठाए गए हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और उसके बाद इनका मिसयूज़ हुआ है। इसमें उनको 7 डिवाइसेस की मिली थी कि ये जो सारे जो अप्लाई हो रहे हैं, जो 90 प्लस जो ये सेलिब्रिटीज़ के अप्लाई हो रहे हैं, ये 7 डिवाइसेस की से ही ये लोन अप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद हमारी साइबर टीम ने, ACP संजय ने और सब इंस्पेक्टर नंदन ने काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस की, और इसमें IPDR एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमने ज़ीरो इन किया। पहले हमने यहाँ पे पकड़ा एक सुनील नाम के शख्स को पकड़ा, जिसकी उम्र 42 साल है, और उस मोटिस उसने जो हमें बताया, उसके यहाँ से काफ़ी हमें फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, पासबुक वगैरह मिले। तो उसने हमें बताया कि उसने 2 शख्स हैं, पुनीत और मोहम्मद आसिफ, इनकी मदद से ये आधार और पैन कार्ड वगैरह फॉर्ज किए, और बाकी जो इनका बैकएंड सपोर्ट कर रहे थे वो विश्व शर्मा और एक पंकज मिश्रा हैं, जो उनको जयपुर से बैकएंड सपोर्ट कर रहे थे और पूरा टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट कर रहे थे। मोडस ऑपरेंडी इस तरीके से है, इसमें ये लोग सेलिब्रिटीज़ के GST नंबर को ऑनलाइन सर्च करते थे। GSTN नंबर सर्च करने के बाद उसमें कुछ डिजिट्स होती हैं, वो एक्चुअली आपका पैन कार्ड रिफ्लेक्ट करती हैं, जो कि मॉफ्ट नहीं होती। पैन कार्ड वो वहाँ से पिक करते थे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल्स जो काफ़ी हैं सोशल इंजीनियरिंग मैकेनिज्म से, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, लोग के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं सब, ये सारी डिटेल्स ऑब्टेन करने के बाद वो एक दूसरे आदमी के नाम पे वो सारी डिटेल्स भर के एक फॉर्ज पैन कार्ड क्रिएट करते थे। बता दें कि इन लोगों के कब्जे से 54 सिम कार्ड, कई मोबाइल, लैपटॉप, पासबुक और क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।